हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ देवलीना, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। तो मैं अभी साड़ी पहन के रेडी हुई हूँ क्योंकि हमारे बिल्डिंग पे आज मराठी का, मतलब जो मराठी कम्युनिटी है, इन लोगों का कुछ जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम है, तो उन्हीं के घर जाना है। तो इसलिए मैं रेडी हुई हूँ साड़ी पहन के। तो मैं ऐसे रेडी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हो। और कैसे लग रहे हो कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी फिलहाल जो टाइम ने बुलाया है उनके घर से घूम के आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं घर वापस आके दिया भी दिखा चुकी हूँ और धुनो जो होता है वो सब भी, मतलब पूरे घर में यार दिखा चुकी हूँ। और अभी मैं देख सकते हो फिर से रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन सिंदूर वगैरह जैसा ये सब है वो सब है। तो ये रेडी हो चुकी हूँ। तो हस्बैंड कहीं पे, इधर बड़ा पाव फेमस है तो उधर खाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो चलिए रास्ते पे भी आप लोगों को, अभी तो फिलहाल पूरा अंधेरा हो चुका है, उतना अच्छा कुछ नज़ारा दिखने का है नहीं। कुछ भी होगा दिखाने लायक तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिलहाल रास्ते पर बात करती हूँ। तो हम लोग अभी बड़ा पाव खाने के लिए आए न्यूली, इस जगह का नाम है न्यूली। और मैं जब मार्लिश पर गई थी तब आप लोगों को न्यूली वाटरफॉल एक दिखाया था, वाटरफॉल, तो उसी जगह पे है ये बड़ा पाव का दुकान। बहुत ही टेस्टी है बड़ा पाव, अभी मेरा हस्बैंड बोल रहा है तो खाने के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल तो चारों ओर बहुत अंधेरा है, इसलिए आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरा गर्मा गर्म बड़ा देख सकते हो, पाव तो पहले खा लिया फिर एक गर्म गर्म बड़ा ऑर्डर करके खा रही हूँ। तो हम लोग घर वापस आ चुके थे 9:30 बजे। और आके मैंने सुबह के लिए सब्जी भी काट लिया है और अभी के लिए डिनर के लिए गर्म गर्म राइस भी चढ़ा दिया है। और अभी 10 बजने वाला है। और मैं जो आज हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम में गई थी तो उधर से मुझे मिला है एक लक्ष्मी माँ का व्रत कथा, मतलब वो हमारे जो शायद हम लोग जो लक्ष्मी का जो पांचाली पढ़ते हैं, थोड़ी ना जो बंगाली में पांचाली बोलते हैं लक्ष्मी जी का, तो शायद ऐसा ही कुछ होगा। और एक ब्लाउज पीस मिला है और एक पर्स और फूड वगैरह भी है, वो सब नहीं दिखा रही हूँ फिलहाल। और हम लोग जब बड़ा पाव खा के न्यूली से वापस आ रहे थे तो हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे ही एक हीरा पन्ना करके बहुत बड़ा सा स्वीट शॉप है, बहुत ही फेमस है। तो उधर से मुझे मिला है अमृति, हम लोग बंगाली में इसको अमृति बोलते हैं। बंगाली मतलब कलकत्ता के जैसे बड़ा साइज का नहीं है, छोटा छोटा है, लेकिन टेस्ट एकदम सेम टू सेम ही लगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगा। और एक मिठाई लेके आई हूँ, ये प्योर मिल्क से बना हुआ, मतलब छेने से बना हुआ, एक खा के देखे थे, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन हाँ थोड़ा कॉस्टली है मिठाई का जो प्राइस रहे का, तो यही है
आज का मेरा छोटू सा ब्लॉग। और अगर आप लोगों को मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हो, मेरा जो न्यू व्यूअर्स है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नए ब्लॉग नए वीडियो और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, श्वेत दिलीप।